मध्य प्रदेश के बहुचर्चित भय्यू महाराज सुसाइड केस में 3 साल के बाद फैसला आया है। इंदौर जिला कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र सोनी ने शिष्या पलक, मुख्य सेवादार विनायक और ड्राइवर शरद को दोषी ठहराया है। तीनों को 6-6 साल की कैद सुनाई गई है। मामले में सेवादार विनायक की जमानत को लेकर आरोपी के वकील सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। इधर बेटी कुहू ने फैसले पर कुछ भी कहने से अभी इनकार किया। जांच के दौरान तत्कालीन CSP सुरेंद्र सिंह ने कहा था कि महाराज के पास से पुलिस को एक डायरी मिली थी जिसमें महाराज ने लिखा था कि जीवन में परेशान हूं, इसलिए जीवन छोड़ रहा हूं। इस डायरी में उन्होंने आरोपी विनायक को विश्वास पात्र बताया था। CSP सुरेंद्र सिंह ने यह भी स्वीकारा है कि मामले में जांच के तहत कुछ लोगों के बयान दर्ज किए गए, इसमें से किसी ने भी आरोपियों पर शक नहीं जाहिर किया था।